अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के तमाम दोस्तों को ज़ुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं गवर्नर सिंध के हवाले से। जी हां, ऑडियो लीक की बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन मैं उससे हटकर बात कर रहा हूं। और आखिर क्या बात हुई, बिलावल भुट्टो से उन्होंने मिलने की कोशिश की, उनके गार्ड ने उनको रोक दिया, फिर मुराद अली शाह भी उनसे नहीं मिले, क्या मामला चल रहा है? फिर वो इतने जज्बाती हो गए और वो इमरान खान की तरह बयान देने लग गए कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, हम ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। ये कहाँ जो धीमे मिजाज के और बड़े सियाणे गवर्नर इस किस्म की गुफ्तगू पर उतर आए, क्या माजरा चल रहा है इस हवाले से? सारी मैं आपसे डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। अंदर पसे पर्दा इनसाइड स्टोरीज क्या है इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, बल्कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आ रहे होंगे, आप काइंडली उनको भी फॉलो कर लें ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी एक अवामी आदमी है, एक सियाणे आदमी है, एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। बेसिकली ये लोग मीरपुर खास की साइड के रहने वाले थे, लेकिन कई साल हो गए इनको कराची शिफ्ट हुए हुए, और ये यहाँ पर ज्वेलरी का काम करते हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनको सियासत का शौक हुआ, फंक्शनल मुस्लिम लीग में गए, पीर साहब पगारा वाली में। उसके बाद इन्होंने माशाल्लाह सियाणे आदमी और हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, जिसको आम टर्म में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जुगाड़ी आदमी, लेकिन ये अपर क्लास के जुगाड़ी इनको आप कह सकते हैं कि सिस्टम को समझने वाले इंसान है। तो वहाँ से इन्होंने एमकेएम पाकिस्तान में जंप मारी और फारूक सत्तार से देखते ही देखते बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। और फिर आपको याद होगा कि फारूक सत्तार ने इनको डिप्टी कन्वीनियर बना दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, इनको महमूदाबाद वाली सीट से भी इलेक्शन में खड़ा किया था, सईद गनी से ये हारे थे। उसके बाद फिर एमकेएम में आपसी इख्तलाफात हुए, एमकेएम अलग हो गए, उसका ये सबब बने। उसके बाद फिर ये वापस खामोश हो गए, एमकेएम छोड़ दी, और अचानक से एमकेएम ना सिर्फ इन हुए बल्कि एक जंप एमकेएम में मारी तो दूसरा पाँव इनका दोबारा डिप्टी कन्वीनियर एमकेएम, और तीसरा पाँव दोबारा उठाकर जो है गवर्नर हाउस में इनका पहुंच चुका था तीसरा कदम। और ये गवर्नर सिंध के एक बड़े ओहदे पर विराजमान हो चुके थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और ये इनकी खुशनसीबी थी 12 रबीउल अव्वल के दिन इनका नोटिफिकेशन हुआ। फिर इन्होंने जो अवामी काम किए, मैं बिलावल वाले उस मुलाकात वाले इशू पर मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा प्रोफाइल इनका जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने जो शहरी के मैं दस्तरखान बड़े बड़े लगाए, अफतारी के दस्तरखान कराची शहर में लगाए, राशन की तकसीम की, मेहंदी हैं लड़कियों के, ख़वातीन की ईद पर मेहंदी का एहतमाम किए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने प्रोग्राम किए, विजिट किए सरप्राइज़ होटलों पे, ढाबों पे खाने खाए, और तकरीबन रमज़ान का पूरा महीना ये कराची की सड़कों पर घूमते रहे। कोई भी इन्होंने शहरी जो है शायद इन्होंने गवर्नर हाउस में या अपने घर में नहीं की होगी, इनको एक अवामी गवर्नर आईटी के कोर्सेज ये वो बड़ी पजीराई मिली। लेकिन अब सियासी हालात जिस तरह चेंज होने लगे, एमकेएम पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त हुआ जाता है, जिस तरह के जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स चेंज हो रही हैं, तो ये सियाणे आदमी हालात को समझ रहे थे, भांप रहे थे। तो इन्होंने जब ओथ टेकिंग थी मुराद अली शाह साहब की वज़ीर आला सिंध के तौर पर, उन्होंने जब तीसरी दफ़ा हलफ लिया तो गवर्नर उसी सूबे का वज़ीर आला से हलफ लेता है, यह आइन में मौजूद है। तो जाहिरी सी बात है गवर्नर हाउस गए वहाँ पर, और वज़ीर आला के हलफ बरदारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, दीगर पीपल्स पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे, और मुराद अली शाह की फैमिली भी मौजूद थी, सरकर्दा रहनुमा तमाम ही मौजूद थे वहाँ पर। एक तो फॉर्मल सी मीटिंग होती है, हम भी एक अरसे से देखते आ रहे हैं ये ओथ टेकिंग और ये चीज़ें, ये फॉर्मल से एक रस्मी सी जिसको कहते हैं कि एक तकरीब होती है और हाई टी होती है और चीज़ें, एक रस्मी सी मुलाकात होती है और फिर हो जाती है। बाज़ोकात यहाँ पर बहुत सारी पोलिटिकल नेगोशिएट या गुफ्तगू भी माजी में देखने में आई है, तो उसी की इन्होंने कोशिश की। जब रस्मी मुलाकात ख़त्म हुई तो इन्होंने बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट की कि मुझे आपसे मुलाकात के लिए टाइम चाहिए। गवर्नर ने कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है और मुझे आपसे टाइम चाहिए, तो उन्होंने
कहा कि बाद में देखते हैं, मुराद अली शाह की तरफ इशारा किया कि ये देखेंगे। जब वो ऐसे कह के बिलावल आगे चले गए तो इन्होंने करीब जाने की कोशिश की, जिस पर जो बिलावल की पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है उन्होंने गवर्नर सिंध को और उनके करीब जाने से रोक दिया। और उसके बाद बिलावल ने इशारा वजीर आला सिंध की तरफ, मुराद अली शाह की तरफ किया कि आप इनसे मिल लें। तो उसके बाद इन्होंने मुराद अली शाह की तरफ जब जाने की कोशिश की और उनसे मुलाकात के लिए ये करीब गए तो मुराद अली शाह ने भी इनसे कहा कि जो एक इशारा होता है कि बाद में जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं कि टोपी कराना या टाल देना वाले स्टाइल में, बोला बाद में अभी चेयरमैन साहब जा रहे हैं, मैं उनको सियाफ करने जा रहा हूँ, यानी कि बिलावल को सियाफ करने उनके प्रोटोकॉल में हूँ, गवर्नर से मैं बाद में मिलूंगा, ऐसे कह के फिर मुराद अली शाह भी इनको अवॉइड करके चले गए। और उसके बाद से जो है गवर्नर हाउस में काफी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो दीगर लोग थे, वो भी काफ़ी चीज़ें सहम महसूस कर गए, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे जो गवर्नर हाउस की जो मामलात होते हैं, एक गवर्नर हाउस में चहमगोइयाँ शुरू हो गई और बहुत सारी बातें होना शुरू हुई। और ये चीज़ें गवर्नर भी से, मैंने जैसा कि कहा कि सियाने आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, तो वो ये चीज़ें समझते हैं, महसूस करते हैं, और महसूस करते हुए ही उन्होंने मुलाकात की कोशिश की थी। तो उन्होंने को भी फिर ये चीज़ें हुई, फिर उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किए कि अगर हमें साइड किया गया तो हम खतरनाक नहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, हमें निकाला गया, हम यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, इमरान खान के जो वादे थे हम पूरे कर रहे हैं। और वो अपने आप को इमरान खान से कंपेयर करने लगे, या ऐसा लगने लगा कि वो कोई इमरान खान की जमात से हैं, तरीके इंसाफ से हैं, जो इमरान खान के वादे थे घर बनाने वाला या नौकरियों वाला या आईटी के कोर्सेज या एजुकेशन के हवाले से, उन सब चीज़ों का तस्करा करने लगे। और ऐसा लगता है कि वो शायद एक पॉलिटिकली ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं, या एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं PMLN के ऊपर स्पेशली, या फिर पीपल्स पार्टी पर भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गवर्नर की तब्दीली ना की जाए सिंध में, कम से कम इनको कामरान टेसोरी साहब को ही कंटिन्यू किया जाए, इस जुगाड़ में जिसको कहते हैं कि लगे हुए मुस्तकिल के गवर्नर तब्दील ना किया जाए इस पर जो है। अच्छा, नून लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी गवर्नर तब्दील करने की, असल बात यह थी कि नून लीग का ही आना, नून लीग का है, MQM का जाएगा, नून लीग का गवर्नर बनेगा, पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, ये तयशुदा बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि यहाँ पर हमें MQM का गवर्नर नहीं चाहिए, MQM के अलावा कोई गवर्नर हो, उन्होंने तो कहा न्यूट्रल गवर्नर की बात की थी कि कोई न्यूट्रल आदमी हो, लेकिन अगर जाहिर सी बात है न्यूट्रल तो पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं होता, वो नून लीग से किसी न किसी तरह ताल्लुक रखेगा, लेकिन वो MQM का असर रसूख कम करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि MQM का ना हो। और जहाँ जहाँ पर वजीर आला पीपल्स पार्टी का है वहाँ गवर्नर जो है मुस्लिम लीग नवाज का होगा, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी के वजीर आला नहीं है जिन सूबों में, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे, ये चीज़ तय पाई थी। तो अब ये सारी सिचुएशन हो रही है, अब इसमें ऑडियो लीक वाली वो बात भी हुई, इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि गवर्नर की ऑडियो और वीडियो भी कुछ रखी गई हैं, कुछ वायरल की जाएंगी, कुछ कुछ खास हलकों में वायरल हो रही हैं, घूम रही हैं, और इस हवाले से ब्लैकमेलिंग और मजीद की जाएगी। तो ये सब लोग सियासी तौर पर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और अब चाह रहे हैं कि अब क्योंकि एक सियासी स्ट्रक्चर और हुकूमती जो है सिस्टम एक अपने वजूद में आएगा, एक ढांचे में आएगा, और जमहूरी सिस्टम पर जब ट्रैक चलेगा तो हर कोई चाह रहा है कि उसको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सिस्टम में एडजस्ट हो सके और कहीं ना कहीं अपने फ़ायदा हासिल कर सके। MQM पाकिस्तान बदकिस्मती से इतनी सारी सीटें जीतने के बाद भी वो हैसियत नहीं पा सकी जो उसके पास 5 सीटें जीतने के बाद 2018 में थी, वो वाली इज्जत वो वाली वक्त उनको नहीं मिल सकी जो शायद माजी में उनकी हुआ करती थी। खैर ये एक अलग डिबेट है, अलग मौजू है, मैं इस हवाले से आपकी जो भी राय हो कि क्या बिलावल को गवर्नर सिंध से मिलना चाहिए था या मुराद अली शाह को, और गवर्नर को क्या अप्रोच करनी चाहिए पीपल्स पार्टी से बातचीत करने की या नहीं करनी चाहिए, आपको इस हवाले से जो भी राय हो वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक इस वक्त तक की जो भी खबरें मैच्योर हो रही हैं, जिनकी तस्दीक हो रही है, वो आप तक बासानी तरीके से पहुंचती रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।